वहाँ पे हमने कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया था। अलबत्ता जब हमारी फीमेल टीचर्स को या मेल टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया तो बच्चों के जज्बात खुद से उभरे और उन्होंने अपने टीचर्स की इज्जत को पामाल नहीं होने दिया और कई ऐसी मेल और फीमेल टीचर्स को बच्चों ने खुद से छुड़वाया पुलिस से आगे बढ़ के कि जनाब हम अपने टीचर्स को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। वो हमारे साथ बच्चे जो खड़े हैं वो अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं, वो समझते हैं कि अगर ये स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं तो हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, कौन इतनी फीसें पढ़ेगा। अगर वो इतनी फीसें देने के काबिल होते तो अब भी शायद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते। यहाँ पे तबकाती निजाम है, जो पैसे पे कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जिन बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं है वो अगर अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए तो अब उनसे ये भी छीन लिया जाएगा। गवर्नमेंट इस अंदाज पे इस मॉडल पे काम कर रही है जैसे इन्होंने इंडिया में किया था IMF के कहने पे, कि पहले उन्होंने कहा ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है, ये अपने बच्चों को भी बताने वाली है कि गवर्नमेंट ने कहा इंडिया वालों ने IMF के कहने पे कि आप जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे पढ़ेंगे उनकी 700 रुपए फीस गवर्नमेंट देगी, जो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ेंगे उनकी फीस जो है वो बच्चे खुद पे कर। उसने मेरी बहनों पे, असाजा बहनों पे और मेरे बच्चों के ऊपर हाथ उठाया, अभी का पंजाब नेशनल न्यूज नामे के साथ अमर गुर्जर साहब जो एपका के सदर है जी, ये आप किस लिए अमर साहब धरना कर रहे हैं जी? इस वक्त जिला काउंसिल फैसलाबाद में जो हजारों की तादाद में साजा और एहतियाज है वो इसलिए कि जो लीगल इन्वेस्टमेंट और पेंशन रूल्स की तब्दीली के बारे में लाहौर में आज से 3 दिन पहले धरना दिए हुए और उधर उस साजा काम की गिरफ्तारी हुई है और फैसलाबाद में भी जाके जा रही है और इसी सिलसिले में आज जिला काउंसिल फैसलाबाद में एहतियाज हो रहा है क्योंकि हमारे मुतालबात हैं कि जो इंसान गिरफ्तार है उनको फौरन रिहा किया जाए। ये अपने हक के लिए एहतियात कर रहे हैं, ये कौन सा कोई दहशत करते हैं जिनके आप लग विचार कर रहे हैं या जिनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये सारे पुरअमल लोग हैं और ये हमारे सब भाइयों का मसला है। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, उस्ताद जो है सबसे मुअज्जज एक छोटे से तलक करने वाले लोग होते हैं और आज जितने भी हमारे अफसरान हैं वो किसी उस्ताद के पढ़ाए हुए हैं, तो मेहरबानी उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद को इज्जत दें तो और उस्ताद को बधाई दें और इनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए और इनके साथ बैठ के बातचीत किया जाए। नाम देखें कि पूरी दुनिया में उस्तादा को इज्जत दी जाती है और हमारे पाकिस्तान के जो उस्ताद टीचर हैं वो सड़क पर हैं जी। सर क्या मसाइल आपको पेश आ रहे हैं? देखें जी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ टीचर्स के साथ जिनका सामना सिर्फ टीचर्स कर रहे हैं, वैसे तो मुलाजमीन और खासतौर पर पंजाब के जो मुलाजमीन है वो सारे ही इशूज हैं उनके लिए, लेकिन टीचर्स के साथ स्पेशल और तीन अमीर अंदाज है कि वो जिस अंदाज से टीचर्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और बच्चों की तालीम को जिस तरह तबाह करने में खुले हुए हैं, हम टीचर जो है वो उसके सामने डटे हुए हैं। इंशाल्लाह हम अपने कौम के लिए डटे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डटे हैं और ये कौम उस तरफ लेके जा रहे हैं कि सबका सब जो है वो फ्रंटलाइन कर रही है। तालीम बेशक इनकी जो प्रायोरिटी नहीं है लेकिन जितना सिस्टम चल रहा है एटलीस्ट उतना तो चल लेते। पंजाब के टीचर्स के साथ जो नारावा सलूक इख्तियार किया जा रहा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत सारे बहुत अच्छे से ये चीज चल रही थी, पाकिस्तान में भी टीचर्स हैं, सराफ में भी टीचर्स हैं, सिंध में भी हैं, वहाँ के मामला जो है कुछ और तरह के हैं, वहाँ की फैसिलिटेशन कुछ और तरह की है। पंजाब में मुलाजिम को वैसे 45% तो पहले से जो सैलरी है वो कम दी जा रही है, इसके बाद अब स्कूल बंद करना शुरू कर दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर दिए हैं जो कि इस कौम की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो बड़ी आम बात जो किसी ने लिखी थी, जो इस कौम की तालीम और सेहत
प्रोफेशनल अंदाज इख्तियार कर जाए, कमर्शियल हो जाए, उसको कोई से कोई नहीं बचा सकता। तो ये चीजें जो है ये इधर होने जा रही है, इसी के आगे हम बात करने खड़े और निशाना खड़े रहेंगे।